हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लेके आई हूँ अपने रीवा शहर में स्थित एक मंदिर का दर्शन कराने। हमारे देश में अनेक मंदिर हैं, उन्हीं मंदिरों में से आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसे अद्भुत मंदिर की कथा जो सुनने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो आज आप मेरे साथ बने रहिए और देखिए ये सुंदर सा मंदिर जो रीवा में है। और इस छोटे से शहर में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको छोटी लगेंगी पर हम लोगों के लिए बहुत अच्छी हैं और बहुत बड़ी हैं। चलिए तो आज पूरा दर्शन कराते हैं। तो ये हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं। ये मंदिर का एंट्री गेट है, इसके दो गेट हैं लेकिन फ्रंट गेट यही है। यहाँ से हम लोग अंदर जा रहे हैं और देखिए यहाँ पर कुछ छोटे छोटे से बच्चे जिनको यहाँ पर आस पास के जो लोग हैं, मतलब जो गरीब लोग हैं, वो मांगने के लिए भेज देते हैं, पर ये बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। पर हम आप कर भी क्या सकते हैं, है ना। पर ठीक है, अब जो जो भी है तो वो है ही। तो अभी देखिए ये हम दर्शन करने के लिए आए हैं। ये बीच में तालाब है, पूरा सुंदर सा तालाब। इस तालाब के बीच में एक मंदिर बना हुआ है। आज मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊँगी कि किस तरीके से ये तालाब की क्या कथा है, इस मंदिर की क्या कथा है, ये पूरी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाली हूँ। ये देखिए, ये पीपल का पेड़ है और बहुत पुराना पेड़ है और माता जी का मंदिर भी है। तो आप लोग देखते जाइए, आज आपको मैं पूरा ये मंदिर घूम के दिखा। तो चलिए, ये मंदिर के चारों तरफ का या तालाब के चारों तरफ का जो एरिया है वो मैं आपको घुमाती हूँ। तो यहाँ पर ले रही हूँ मैं टिकट, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर अच्छे से घूमेंगे। तो इनको देखिए, इनकी सेल्फी चालू है, सिस्टर है मेरी। और हम लोग आए हुए थे, मैं, मेरा भतीजा और मेरी सिस्टर। तो ये पूरा एरिया है जो मैं आपको आज घुमाऊंगी। तो देखते जाइए, बहुत सुंदर सी जगह है। तो हेलो, तो आ गए हैं आपको घुमाने आज हम रानी तालाब। अभी देख, मैं, मेरा भतीजा और मेरी सिस्टर, हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे और ये लोग मज़े ले रहे थे कि चलो किसी बहाने तो सही, बुआ यहाँ लेके तो आई। बहुत सुंदर जगह है, देखिए आप लोग और बहुत एंजॉय करिए। ये बीच में एक मंदिर है, मंदिर है ये शंकर जी का और बहुत पुराना है। जब कहा जाता है कि जब हमारे यहाँ के जो राजा थे उनकी रानी आती थी नहा के इस मंदिर में जल चढ़ाने, मतलब इतना पुराना ये मंदिर है, मतलब ये राजाओं के समय का है। तो आप लोग भी देखिए, आज इतना सुंदर भी है और बहुत सुंदर लोकेशन है, आप लोग देखिए और इन्जॉय करिए। तो हम लोग को भी देखिए, हम लोग कितनी मस्ती कर रहे हैं। आज मैं आपको इस मंदिर का पूरा इतिहास सुनाती हूँ। तो इसका इतिहास इस प्रकार है, माँ कालिका की स्थापना की रोचक दास्तां है। सैकड़ों वर्षों से प्रचलित है कि करीब 450 वर्ष पूर्व यहाँ से गुजर रहे व्यापारियों के पास यह देवी मूर्ति थी। घने जंगलों और रात्रि विश्राम के समय व्यापारियों ने माँ की प्रतिमा को एक इमली के पेड़ पर टिकाकर रात्रि विश्राम किया। दूसरे दिन इसे उठाना चाहा तो मूर्ति नहीं उठी। कई कोशिशों के बाद मूर्ति नहीं उठी तो व्यापारियों ने इस मूर्ति को यहीं छोड़ आगे बढ़ गए। तब से यह मूर्ति यहीं है। बघेल साम्राज्य के शासनकाल में रीवा रियासत के प्रथम राजा व्यग्रदेव सिंह की जानकारी में यह बात सामने आई तो उन्होंने इस स्थान पर एक चबूतरा बनवाकर एक भव्य मूर्ति की स्थापना की, जहाँ पर नियमित रूप से पूजा पाठ की शुरुआत हुई जो सैकड़ों वर्ष से। तो ये देखिए, कितना सुहाना मौसम भी है और कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे चारों तरफ पेड़ पौधे हैं और काफ़ी मस्ती के साथ हम लोग जा रहे थे और बहुत सारे गाने भी याद आ रहे थे, पर क्या करें गा के सुना नहीं सकते आपको, फिर भी मैंने कुछ लाइनें आपकी। तो आप लोगों ने देखा, अभी जहाँ हम लोग फ़ोटो क्लिक करा रहे थे वो पहले का मंदिर नहीं है, वो उसको अभी बनवाया गया है। और यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने ढेर सारे पौधे भी लगे हुए हैं, कितना अच्छा एनवायरनमेंट भी लग रहा है और काफ़ी ग्रीन ग्रीन था, पानी भी था, पानी भी बहुत अच्छे से भरा हुआ है तालाब में, इतना पानी नहीं रहता है, बारिश के कारण यहाँ पे ज़्यादा पानी भरा हुआ है। तो ये मैं कुछ मस्ती ज़्यादा करने लगी थी। तो
बहुत बढ़िया व्यू बन रहा है। तो अब सुनिए आप लोग तालाब की कहानी। सैकड़ों वर्ष पहले तालाब का निर्माण हुआ था, जब यहाँ पानी की कमी हो गई थी। लावना जाति, जो घुमक्कड़ प्रजाति के लोग हुआ करते थे, उन लोगों ने पानी की कमी को देखते हुए एक तालाब खोदा। उसी वक्त तत्कालीन बघेल साम्राज्य की महारानी कुंदन कुमारी, जो जोधपुर घराने की थी, रीवा राज्य में ब्याही थी, रक्षाबंधन के समय महारानी माँ कालिका की पूजा अर्चना के लिए मंदिर आई हुई थी। यह जलाशय देखकर प्रसन्न हो गई और लावना जाति के लोगों से मिली। लावना जाति के लोगों ने महारानी साहब से मांग की, आज रक्षाबंधन है हमारे हाथों में, आप राखी बांध दीजिए। इस आग्रह पर जब महारानी ने राखी बांधी, जिसके भेंट स्वरूप यह तालाब को महारानी कुंदन कुंवरी को दिया गया, तभी से यह रानी तालाब के नाम से जाना। तो मैं आज आपको ढेर सारी जानकारियाँ दे रही हूँ, तो आप लोग सुनते भी जाइए और देखते भी जाइए। कहीं कहीं पे आपको ऐसा लगेगा कि मैं कहीं और हूँ और कहीं और की बातें कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं इसके हर एक भाग के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताती जाऊँगी और आप हमारी मस्तियों को भी देखते जाइए। तो हम लोगों ने ढेर सारी मस्ती की थी, तो सब आगे ही। तो आप लोग देखते जा रहे हैं कितनी सारी मस्ती हो रही है। तो ये फोटोग्राफर है पीछे, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। ये देखिए, इधर बच्चे मस्ती कर रहे हैं। तो यहाँ आसपास के जो लोग हैं उनके बच्चे यहीं घूमते रहते हैं, और ठीक है, उनको एक ये क्या बोलते हैं उसको, पार्क टाइप से मिल चुका है मस्ती करने के लिए। तो ये फ़ोटोज़ भी खींच रही हैं। और यहाँ पे क्या था, पहले ये हिस्सा जुड़ा हुआ नहीं था, तो जब इस पार्क को बनाया गया तो यहाँ पे एक पुल जैसा बना दिया गया है, जो जिससे उधर के हिस्से को दूसरी तरफ से जोड़ दिया गया है। तो ये चारों तरफ से मतलब जुड़ गया है, और अच्छा एक ऐसी जगह भी है जहाँ पे आके आप थोड़ा सा एक्सरसाइज भी कर सकते हो। आसपास के लोगों के लिए वॉकिंग एरिया भी है, तो काफ़ी टाइम भी लगता है पूरा एक चक्कर लगाने में, कि मैंने आपको बताया भी है कहीं पे कि 1 किलोमीटर का इसका सर्कमफेरेंस है। तो ये देखिए, हम लोग बढ़े जा रहे हैं आपको माता जी का दर्शन कराने के लिए, क्योंकि जब हम लोग आए थे उस वक्त गेट बंद थे, इसीलिए हम लोग ने सोचा कि पहले हम लोग पूरा ये घूम लें, आपको भी घुमा दें, उसके बाद हम माता जी के पास आपको लेके जाएंगे। तो आप लोग देखते चलिए, और आज आपको मैं कालिका माँ के दर्शन कराऊँगी। तो आप लोग देखिए, माता रानी को देखने के लिए थोड़ा इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा, तो इंतज़ार करिए और देखते जाइए। तो एक पेड़ मैंने देखा यहाँ पे, ये देखिए आप लोग भी, इस पे बिल्कुल ऐसे जैसे जटा के जैसे, देखिए जो जटे होती ना, मतलब कहते हैं ना, ये देखिए ऐसे ही फला हुआ है। इतना ब्यूटीफुल लग रहा था रियल में, एक नहीं कई थे। एक पेड़ तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसे बहुत सारे पेड़ थे। और इधर जो आगे का एरिया देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे बहुत सारे झूले भी लगे हुए हैं जहाँ पे बच्चे झूलते हैं, इधर साइड पे ये जो दिख रहा है। तो बहुत सुंदर सुंदर जगह है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा दूर तो है लेकिन बहुत अच्छा है। आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे वाइट कलर की डग भी हैं जो बहुत ही सुंदर लगती हैं। और ये लोग ना, ये जो डग हैं वो बहुत मस्ती भी करती हैं, तो इनको आप देखने बैठ जाओगे तो 1 घंटे तो ऐसे ही बीत जाता है। ये देखिए, ये इसके पीछे का गेट है, तो मतलब आगे के लोग आगे से इंटर कर सकते हैं, और यदि पीछे साइड के लोग आना चाहते हैं तो वो पीछे से भी एक गेट है, वहाँ से भी एंट्री गेट है, वहाँ से भी आप अंदर आ सकते हैं। तो
यहाँ पे भी एक मंदिर अब बन गया है, ये पहले का मंदिर नहीं था। पहले माता रानी का मंदिर था और पानी के बीच में जो शिव जी का मंदिर बना हुआ है वो था। तो ये जो पानी के बीच में मंदिर है वो शिव जी का मंदिर है। तो और ये मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे बोटिंग एरिया भी है, यहाँ पे लोग बोटिंग और यहाँ पे बोटिंग भी करते हैं। तो ये बोटिंग करने का एरिया है, बहुत सारी बोट भी दिख रही हैं आपको। तो यहाँ पे अभी तो कम लोग ही हैं, बाकी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और चलते चलते हम लोग बहुत जल्दी माता जी के पास पहुँचने वाले हैं। तो ये भी एक मंदिर बनाया गया है, इसके मतलब इसके चारों तरफ, पानी के चारों तरफ, तालाब के चारों तरफ कई सारे मंदिर अभी बनाए गए हैं। तो इनमें से एक मंदिर ये था। तो ये देखिए हम लोग की कुछ पिक्स जो हम लोगों ने बीच में बैठ के जब थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे तो ये खींची हुई थी। तो इस तरीके से हमने आपको पूरा रानी तालाब भ्रमण करा ही दिया, बस माता जी के दर्शन करने की बारी है। तो हम लोग पहुँच ही रहे हैं, बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। तो और ये जो शंकर जी का मंदिर है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि रानी आती थी जल चढ़ाने। सोचिए कितना कितना प्यारा वो दृश्य रहता रहा होगा जब यहाँ पे रानी आती रही होंगी और जल चढ़ाती रही होंगी। तो ये देखिए हम लोग मंदिर परिसर के पास जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक धर्मशाला जैसे बनाया गया है, जब कोई प्रोग्राम होता है तो शायद इसी में होता है, मैंने कोई ऐसा प्रोग्राम अटेंड नहीं किया लेकिन होता है। और ये देखिए यहाँ पे ये आ गए हम माता जी के मंदिर पे, और अब गेट खुल चुका है। तो ये लीजिए, ये है माता रानी जो जिसके लिए आप इतना लंबा इंतज़ार किए। तो माता रानी के दर्शन कर लीजिए आप लोग भी वहीं से बैठे बैठे, और कोशिश करिए कि यहाँ एक बार आप ज़रूर आइए। इसके चारों तरफ भी बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है, बहुत सारी छोटी छोटी मूर्तियाँ भी हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी देवी लोगों की मूर्तियाँ हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इसके पीछे का हिस्सा है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर लोकेशन है, आप आके आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं थोड़ी देर तक, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मंदिर में कितनी शांति मिलती है। तो ये पीछे का एरिया है, यहाँ पे देखिए जिस गेट से हम एंटर किए थे वो गेट आपको दिख रहा है, और मैं आपको दिखा रही हूँ डूबता हुआ सूरज कितना प्यारा लग रहा है इधर से। तो ये माता जी का मंदिर है, यहाँ पे शाम के समय कई लोग आते हैं, अभी इस समय तो नहीं पर आते हैं और भजन कीर्तन होता है, बैठते हैं और काफ़ी मतलब शांति मिलती है यहाँ पे आने के बाद। तो यदि घर पे जब मन थोड़ा दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो मंदिर में आके ही हम लोग थोड़ा सा फ्री हो पाते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा मंदिर घुमा। तो सबने दर्शन कर लिया, तो बोलिए जय माता दी, सारे बोलिए जय माता दी, प्रेम से बोलिए जय माता दी। दर्शन कर लिया आप लोगों ने, अब इसके बारे में जो भी बचा कुचा है डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ लीजिएगा। अगेन करिए माता जी का दर्शन और फिर लेते हैं यहाँ से विदाई, अब हम घर जाते हैं। और आप लोग भी दर्शन कर लिए होंगे, देखा कैसा लगा, अच्छा लगा ना? तो इसी प्रकार हमसे बने रहिए और अच्छी अच्छी मैं चीज़ें आपको दिखाती रहूँगी। तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर से मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ।